जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जो है ना 1 से 2 दिन में आ ही जाएगा, क्योंकि टॉपर का वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। और उससे पहले जो है ना छात्रों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया है, और इस आंदोलन के पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है, और ये आंदोलन क्यों हुआ, और इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला है, इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। उससे पहले एक बार आप थोड़ा सा जो है ना इसको देख लीजिएगा कि यदि आप 2024-25 के लिए साइंस से पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और आपका सब्जेक्ट यदि मैथ है, चाहे वो एक्स्ट्रा हो या मेन हो, यदि आप यूट्यूब पर क्लास लेना चाह रहे हैं तो हर रोज़ 7:00 आपके लिए जो है यूट्यूब पर क्लास चलता है। और यदि आप पेड कोर्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये पेड कोर्स के लिए 6:00 क्लास चलता है, उसके लिए एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 2024-25 वाले बच्चों के लिए। अब आइए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि ये आंदोलन हो क्यों रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे देश के जो झांसी की रानी है, ठीक ना, उन लोगों ने एकदम बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है, और इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको पहले से पता है कि 2024 और 25 में जो भी बच्चे का नामांकन अब 12th में होने वाला था, उन लोगों को जो है ना बिहार बोर्ड ने ऐसा बताया था, या शिक्षा मंत्री कह दीजिए या बिहार सरकार कह दीजिए, उन लोगों ने एक नोटिस जारी किया था कि अब उन लोगों को जो है ना प्लस टू स्कूल में भेजा जाएगा, डिग्री कॉलेज से हटाकर प्लस टू स्कूल में उन्हें भेजा जाएगा और वहाँ पर उन्हें पढ़ना है। जो मुझे लगता है कि ये जो सूचना है और ये जो नोटिस जारी किया गया था ये कहीं से भी सही नहीं था, क्योंकि आपको जारी ही करना है तो कम से कम 1 साल तो बच्चों को कंप्लीट करा लीजिए, ठीक है ना। तो उस 1 साल को कंप्लीट करा कर अगले साल से ऐसा जारी कर दीजिए। अभी बच्चों का एडमिशन है, फिर वहाँ से नाम कटेगा, फिर दूसरे कॉलेज में जाएगा, पता नहीं वहाँ सीट खाली है या नहीं है, बच्चों का एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये बड़ो मतलब समस्या है। तो इसको लेकर जो है ना सभी छात्रों ने आंदोलन कर दिया है। देखिए, और ये पटना का सीन है जहाँ पर एक लड़की के साथ जो है ना एक हमारे पुलिस वाले भाई साहब है, ये झड़प कर रहे हैं, इनके हाथ में लाठी भी आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। ये महिला कांस्टेबल नहीं है, ये जेंट्स कांस्टेबल है, फिर भी हाँ। आगे चलिए, यहाँ भी देख सकते हैं वही चीज़, यहाँ देखिए ये लाठी पकड़ी हुई है, यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं और ये भी जो है अपना डंडा पकड़े हुए हैं, मतलब दोनों में झड़प हो रहा है। देखिए अब इसमें जो है ना एक नोटिस आपको दिख रहा होगा, इस नोटिस में जो है ना बिहार सरकार ने इस जो मांग, ये जो मांग आपका था, ठीक है ना, कि हम लोग को 1 साल कम से कम जो है ना उसी संस्थान में रहने दिया जाए, ठीक है, जो बिल्कुल जायज़ था, और उसे बिहार सरकार ने मान लिया है फाइनली। और यहाँ पर एक फाइनली नोटिस आपको दिख रहा होगा, 21/3, यानी ये कल का नोटिस है, 21/3/2024 कल का नोटिस है ये। इसमें स्पष्ट सारी बातें लिखी गई है, शैक्षणिक सत्र 2023-25 में राज्य के डिग्री महाविद्यालय अंगीभूत संबंध और अल्पसंख्यक में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कक्षा 12वीं पठन पाठन के प्रसंग में निदेशक महासचिव की अध्यक्षता में दिनांक 21/3/2024 को संपन्न बैठक की कार्यवाही। अब कार्यवाही में क्या हुआ, उस बैठक में क्या हुआ, ये पूरी जानकारी जो है ना इसमें दिया गया है, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिएगा, उपस्थिति संजिका में संधारित्र विभागीय संकल्प संख्या 587 दिनांक 21/2/2024 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के विभिन्न डिग्री महाविद्यालय में वर्तमान में संचालित इंटर स्तरीय की पढ़ाई को शैक्षणिक सत्र 2024-26 में समाप्त कर दी गई है। मतलब 24-26 में जो है ना, यदि कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ना चाहेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए उसको प्लस टू स्कूल में पढ़ना होगा, इंटर वाले बच्चों को, हाँ 24-26 के लिए समाप्त कर दिया गया है। इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-25 में राज्य के विभिन्न कोटि के डिग्री महाविद्यालय में कक्षा 11वीं में नामांकित विद्यार्थियों का कक्षा 12वीं नामांकन या पठन पाठन की व्यवस्था के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान समिति के पदाधिकारी द्वारा यह संज्ञान में लिया गया कि विभागीय पत्रांक 282 दिनांक 9/3/2024 द्वारा किए गए निर्देश के आलोक में राज्य के डिग्री महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए 11वीं नामांकन एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के समाप्ति के पश्चात कक्षा 12वीं के नामांकन हेतु AFFS पोर्टल दिनांक 21/3/2024 से लाइव कर दिया गया है, जिसमें वैसे डिग्री महाविद्यालय जिनमें इंटर स्तरीय कक्षा की पढ़ाई हो रही है विकल्प के तौर पर शामिल नहीं है। उक्त स्थिति में विचार विमर्श उपरांत छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लाइव किए गए ऑफिस पोर्टल पर वैसे सभी डिग्री महाविद्यालयों जहां कक्षा 11वीं में विद्यार्थी नामांकित होकर अध्ययनरत है को भी विकल्प के तौर पर शामिल कर दिया जाए, ताकि विद्यार्थी यदि चाहे तो कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में
सफलता प्राप्त करने के पश्चात उसी डिग्री महाविद्यालय में कक्षा 12वीं के नामांकन लेकर अध्ययनरत रह सके, ठीक है ना। मतलब आपके मांग को पूरी तरीके से जो है ना सुन लिया गया है कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप जिस कॉलेज में हैं उसी कॉलेज में आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और 2024-25 के लिए जो है ना जमकर पढ़ाई कीजिए। ये बीच में वैसा चीज़ें जो है निश्चित रूप से ये मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना। और फाइनली सरकार को भी लगा तो कल ही जो है ना ये नोटिस जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं आज ही शाम 7 बजे आप लोग के लिए मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लेकर आ रहे हैं हम, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप सभी मिलते हैं शाम 7 बजे। धन्यवाद।